फ्री कावा और खजूर मिल रही है फुल मेंस। रश काफी हो रहा है, सारे लोग खड़े हो गए यहाँ पे। अबराज हाइपर मार्केट जो कि हमारे ही कैफे बना हुआ है। हाँ भाई कैफे कि हमने ना पैकिंग करनी और हम लोग कर रहे हैं रैपिंग इसको। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ओहो हो माशाल्लाह। आज भी हमने ऑमलेट ले लिया है, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू द ब्रांड 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 न्यू व्लॉग। ये देख ले भाई, ये आज का लास्ट बस अबाया रह गया, तो ये आज मेरा लास्ट डे का अबाया है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर खत्म होने पे है। हाँ कैसा लग रहा है आपको? बस भाई कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो। बस ये कि जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी जगह को जब आप छोड़ते हो तो आपको दुख तो होता है, लेकिन अब घर जाना है, घर जाने का टाइम आ गया है। तो बस ये कि अभी हमारा आज लास्ट डे है, आज हम लोग पूरा डे यहीं पे हैं। अजलान यहाँ पे आ जाएं, अजलान यहाँ आ जाएं। तो अभी तो हम लोग ज़रा लेट चेकआउट के लिए बात करने जा रहे हैं कि हमें भाई लेट चेकआउट दे दो। हमारा सुबह 12 बजे का चेकआउट है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें 6 से 7 बजे तक का चेकआउट मिल जाए, क्योंकि रात 2:30 बजे की तो हमारी फ़्लाइट है, बहुत लेट फ्लाइट है हमारी। तो हम चाह रहे हैं कि हम 6 बजे होटल छोड़ें तो 8:30-9 बजे तक एयरपोर्ट जाएँ। वो तो कल इंशाल्लाह जो व्लॉग कल बनेगा उसमें आपको सब पता चल जाएगा। अभी हम ज़रा इनसे बात करना है, देखते हैं क्या समझते हैं। ये देखें भाई, यहाँ पे फ्री कावा और खजूर मिल रही है फुल मेन जमजम में, और ये खड़े हुए हैं, ये दिए जा रहे हैं सबको। वाह भाई वाह, बहुत ज़्यादा जग्स रखे हुए हैं, लेकिन हम तो कावा पीते ही नहीं हैं, ये हमारे तो किसी काम के ही नहीं है। और खजूर तो मैं खाती हूँ, लेकिन अभी मैंने टोफो खा लिया है मीठा मीठा, तो फिर मेरा खजूर खाने का भी दिल नहीं चाह रहा। ये देख माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आइसक्रीम्स वगैरह मिल रही हैं, और क्या क्या मिल रहा है, ये कुछ सैंडविचेस हैं, बर्गर रखा हुआ है, और ये पैटी शोटी छोटी सी, ये भी कैफेटेरिया है ये होटल के नीचे, और आइसक्रीम भी मिल रही है भाई साहब। कौन कौन सी? बेरी वेरी बेरी वेरी स्ट्रॉबेरी, वाह वाह वाह, वनीला, पिताशियो, जामू का चौक। अभी फ़िलहाल भाई यहाँ पे रश काफ़ी हो रहा है, सारे लोग खड़े हो गए यहाँ पे कावा और खजूर के लिए, और यहाँ पे रिसेप्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, क्योंकि जाहिर है सारे लोग, मुझे लग रहा है कावा और खजूर खाए जा रहे हैं। और अनिश पता नहीं कहाँ चला गया, अनिश 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 गए रहे अनिश साहब। क्या हुआ, बात हो गई, हो गई बात? अच्छा बताओ, तो मैं तो वहाँ थी, मैंने कहा शायद तुम बात कर रहे हो, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे खड़े रहते हैं, चलें फिर अच्छा बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो चलते हैं हम लोग नीचे, एक दो काम है लास्ट वो निपटा लें, और थोड़ा सा आज हरम में वक्त गुजारेंगे, नीचे सहन में बैठेंगे इंशाल्लाह, अगर खाली खाली रहा हुआ। ये भी भाई पुल मैन का खूबसूरत सा, आज मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे ये कैफ़े भी है, और मेरे ख्याल से ये रेस्टोरेंट है खाने पीने का। बाकी आगे चलते हैं, आगे चल के हम लोग को जाना था ऊपर, और हमें वहाँ गए हैं हरम पे। ओ हो भाई, यहाँ से चलते चलते हम आए, और देखना ये कितना खूबसूरत सा कैफे बना हुआ है। हाँ भाई कैफे, आई लव मक्का, फिर यहाँ पे भी आई लव मक्का है। चलो भाई देखते हैं ये वाला कैसा कैफे है। मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद है ना सिर्फ चाय कॉफ़ी वगैरह मिलती होगी, तो जो कि तो हमारा काम ही नहीं है चाय कॉफ़ी का, तो देखते हैं। खैर अभी हमें जाना है भाई 10 टॉप 10 पे, एक बार काम था हमें, तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी टैक्सी के लिए बैठे हुए हैं, और ये टैक्सी भाई यहाँ आई नहीं रही, कुछ हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन टैक्सी का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं ये टैक्सी मिल क्यों नहीं रही हमें, और जो मिल रही है तो वो किराया कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। अब हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं, अल्लाह करे भाई कोई टैक्सी वैक्सी आ जाए, ताकि हम यहाँ से जाएँ और फिर वहाँ से जल्दी से काम करके आ जाएँ। वहाँ से तो हमें टैक्सी वैक्सी मिली नहीं, तो अब हम लोग दूसरे रूट पर जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं टैक्सी मिल जाए। हम सोच रहे थे कि अभी हम लोग थोड़ा सा वहाँ से काम जल्दी जल्दी निपटा के थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी टैक्सी का ही मसला ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि टैक्सी नहीं मिल रही है। टैक्सी वालों के इतने ज़्यादा यहाँ मुंह फट जाते हैं, जब भी बोलो 30 रियाल 40 रियाल से कम कोई टैक्सी वाला बोलता ही नहीं है। मतलब हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह करे यहाँ से एक टैक्सी मिल जाए और जल्दी जल्दी काम हो जाए, और फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है, क्योंकि अजलान भी ज़ाहिर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हुआ हुआ है, तो अभी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या। फाइनली भाई हमें टैक्सी वैक्सी मिल गई थी, लेकिन टैक्सी का फिर वही ज़्यादा ही किराया लगा, 50 रियाल का किराया लग गया था उसमें आना और जाना, तो बस ये हुआ।
बाकी अब हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि बच गए हैं 10 और हम सिर्फ खाते हैं नाश्ते में एक अदद पापा, तो उसके बाद अब भूख लग जाती है भाई। तो ये पाकिस्तानी होटल जो उस दिन खाया था इसका खाना काफ़ी अच्छा था, तो बस यही सबसे करीब भी रहती है, सब हम यहीं चलते हैं और यहीं खाते पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया, अम्मी के लिए हमने खाना पार्सल करवा लिया था क्योंकि वो घर में ही थी, शाम में निकल गई थी वो। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इब्राहिम खली रोड से होते हुए फिर अपनी होटल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं, यहाँ पे वैसे अब कुछ नहीं चाहिए भाई, सब कुछ हो गया, बहुत सारा हो गया, अब तो बैग में भी जगह नहीं हमारे, लेकिन बस अभी फिर भी ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि यहीं से रोड पड़ेगा फिर हम लोग सामने रोड से अपने घर। तो भाई आज जैसे कि आपको पता है आखिरी दिन है बस इंशाल्लाह, कल तो हमने निकलना ही है, तो आज हमने सोचा चलो ये अबराज हाइपर मार्केट जो कि हमारे ही मॉल में थी, तो हमने कहा चलो आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, एक हम चीज़ ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करे यहाँ पे इंशाल्लाह मिल जाए। तो यहाँ पे अच्छा ये तो भाई ब्रेड व्रेड सब मिल रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सब मिल रहा है, तो फिर तो हमें कहीं जाना नहीं चाहिए, बिंदास वगैरह नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ सब कुछ मिल रहा है ब्रेड वगैरह, लेकिन लबन शबन मिल रहे हैं क्या हमें? हाँ लबन, ये तो चॉकलेट्स पे खड़े हो गए तुम। और बाकी देखते हैं ले लो भाई ले लो, बाकी देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, मतलब पूरा सुपर स्टोर ही है यार ये, बिंदास जैसा ही है, पूरा सुपर स्टोर है वो, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, जहाँ नमाज़ें भी मिल रही हैं। ओहो 47 रियाल। और बाकी तो ये तो भाई पूरी ये बंदा हमेशा गलत चीज़ देख के गलत जगह पे आता है, तुमने क्या देखा था कि इन्होंने यहाँ डील लगाई हुई है, डील के चक्कर में आ गए हम लोग नीचे, अब क्या डील है जरा हमें भी तो पता चले, ग्लेस की पे तो तुमको डील मिली नहीं कोई, और तुम बात कर रहे हो डील वाली, मुझे तो नहीं लग रहा कोई डील है भाई। लॉलीपॉप फाइनली भाई तुम्हारी डील दिखना लगी है अभी, ओरियो छोड़ दो हम ओरियो नहीं खाते, और ये यहाँ पे अर्ज़े खास दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन ये उन चीज़ों पे जो हमारे काम की है, और अगर अर्ज़े खास भी है तो उसके बाद भी ये बावजूद भी बहुत महंगा है भाई, बहुत बढ़िया है, पैकेट भी तो देखो कितने मिलेंगे इसमें, कितने पैकेट हैं पता है कितने, तो इक्लियर का क्या करेंगे हम, इतनी इक्लियर का तो कोई फायदा ही नहीं, बड़ा पैकेट हमारे किसी काम किलो का है, 2.5 किलो का पैकेट हम कहीं रख भी नहीं सकते, और ना ही हमें कोई इक्लियर का काम है इस पे, है कुछ अर्ज़े खास। हाँ ये आइए ना मज़े की चीज़ देखना, कितने मज़े मज़े के डोनट है, मैंने तो भाई एक डोनट ले लिया इनसे, और बाकी केक शेक ओहो सऊदीया में भी केक वेक मिलते हैं भाई, अगर खाना हो आपका दिल चाह रहा हो कुछ मीठा खाने का तो यहाँ पे बेकरी भी काफ़ी, हाँ तो फ्रेश ही होंगे ना भाई, अच्छा देखो तो शक्लें कितनी अच्छी अच्छी हैं, तो फ्रेश ही होंगे। थैंक यू पेमेंट उनको ही देनी है, वहाँ पर देनी होगी ना। वाह 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 जी भाई ज़बरदस्त, ये क्या पिज़्ज़ा वीज़ा है देखना, पता नहीं क्या है ये भी, कुछ हैं तो कुछ पेटीज वगैरह कुछ लग रहे हैं, और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ होगी पता नहीं क्या, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो है, और है सब कुछ मज़े का लग रहा है। चले भाई लास्ट हमारा ये रह गया है कि हमने ना पैकिंग करनी, और हम लोग कर रहे हैं रैपिंग इसकी, ताकि हम लोग ने देखिए दो सारे सूटकेस रैप कर लिए हैं, हम लोग ने अपने सारे सूटकेस को रैप कर लिया, क्योंकि भाई कुछ भी सामान गायब नहीं होना चाहिए अंदर से, और कुछ पे ताले वाले भी लगवा दिए सही से अच्छे से, बस आखिरी का यही काम है हमारा, क्योंकि सुबह हमने निकलना है बस जी। तो जनाब जैसे कि आज था आखिरी दिन, जो आपको बता ही रही हूँ, शुरू से बता ही जा रही हूँ आपको कि आखिरी था, तो बस ये है कि हम लोग ने अभी चलना है ज़रा हरम, आज जल्दी जा रहे हैं, कितने बज रहे हैं अभी, कितने बज रहे हैं, एक बज रहे हैं, हाँ 1:15 कुछ हो रहा है, तो हमने कहा चलो भाई आज जल्दी ज़रा हरम जा रहे हैं ताकि लंबा टाइम बैठ सकें अगर अज़लान ने हमें इजाज़त दी तो, क्योंकि इसका जो मूड होता है उस हिसाब से चलते हैं हम लोग, तो बस अगर इसका मूड हुआ, अनिश शाम से एक ही काम कर रहे हैं कि मैं इनसे बात करता हूँ, लेकिन अभी तक इन्होंने इनसे बात नहीं की, क्या मसला हो गया ऐसा आपके साथ जो आप इनसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं भाई, सुबह 12 बजे ना अगर बात नहीं की ना तो किकआउट कर देंगे होटल से, तो बात कर लो भाई इससे पहले कि ये लोग हमें किकआउट कर दें। क्या हुआ भाई, फेल हो गए ना तुम, फेल हो गए भाई, हमने कहा कि चलो भाई हम बात कर लेते हैं अभी कि हमें देर से चेकआउट दे दें, उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग आएगा सुबह 12 से पहले, मतलब पैसे हैं ख्वारी तो हो गई दे रहे हैं ना, लेकिन ख्वारी तो है ना कि अब सुबह 12 बजे से पहले तो उठना ही है, लाजमी मैं सुबह बात करूंगा 8 बजे, सुबह 8 बजे नहीं आते ये लोग, उन्होंने कहा कि आफ्टर 10 आपको बात करनी है। चले भाई बस आज इंशाल्लाह ये जो जा रहे हैं हम लोग बैतुल्ला में, ये आखिरी है हमारा, तो बस आज आप लोग को भी ज़रा आखिरी ज़रा ज़्यादा नज़ारा दिखाते हैं इंशाल्लाह अंदर का,
ताकि आप लोग भी देख लें और हम भी जी धड़ के दिल खोल के देख लें, और इंशाल्लाह 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 फिर अल्लाह हमें वापसी 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 और बार बार बुलाता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस अभी चल रहे हैं अंदर, यहाँ पे चप्पल वप्पल उतार दी हमने बाहर ही, अभी ये स्ट्रॉलर पहले तो एक जगह पर लगानी है और उसके बाद जाएंगे हम लोग ग्राउंड फ्लोर। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बस जाने लगे हैं हम लोग नीचे, और ये पहले हमें इससे नीचे जाना पड़ता है, और यहाँ पे लेकिन है ना ज़रा बड़ों का बड़ा मसला हो जाता है। कल भी एक आंटी यहाँ पे एस्केलेटर पे दबांग हो गई, देखा ना तुमने? ओ बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। चलो 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 भाई, अंकल भी अभी गिरते गिरते बच गए, और यहाँ पे आंटी कल गिरते गिरते बच रही थी, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आज रश भी ज़्यादा है ना, जुमे रात का जोड़ है आज, क्योंकि आज लोग ज़्यादा उमड़ा कर रहे होते हैं या पता नहीं क्या होता है, मकामी लोग भी ज़्यादा आ जाते हैं, इसी वजह से रश बहुत ज़्यादा होता है। वरना इस टाइम हम लोग नॉर्मली जब आ रहे होते, बल्कि इससे भी लेट आते हैं हम लोग, कुछ एक डेढ़ दो बजे आते हैं, लेकिन तब भी इतना रश नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रश है। एक तो इन दोनों को मुझे छोड़ के भागने का बहुत शौक है, मतलब मैं भी पानी पीने लगी थी और भागना शुरू कर दिया, बंदा डर जाए कि भाई कहाँ चले गए, फिर वही इंक्वायरी करते रहो, ढूंढते रहो ढूंढते रहो, अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और यहीं बैठ जाते हैं, बस वो आ ना जाए पुलिस वाला, हजी 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 करते हुए बस यहाँ बैठ जाते हैं बस। माशाल्लाह भाई, बस हम लोग ने सोचा कि चलो भाई अब आज आखिरी अलविदाई तवाफ़ कर लें इंशाल्लाह, और उसके बाद तो फिर पता नहीं कब मौका मिले यहाँ इतनी प्यारी सी जगह पर आने का। तो बस अभी ये शुरू करते हैं अपना तवाफ और फिर मिलते हैं आपको। अपना कर लिया, कैसा रहा आपका अलविदाई तवाफ? अच्छा था, आज रश ज्यादा है, रश आज जुमेरात है ना तो रश बहुत ज्यादा है, अभी थक गया ना। क्या कह रहा है ये? सर दबा दे मेरा, बैठा हुआ है माशाल्लाह बैतुल्लाह के सामने और बाबा से कह रहा है बाबा मेरा सर दबा दे। बस बहुत ही ऐसी फीलिंग है कि आपको नहीं बता सकते कि मतलब जब आप यहाँ से इतने दिनों बाद यहाँ से घर जाओगे, तो अभी मेरी आवाज़ भी बहुत अलग हो रही है, तो अभी जब हम लोग इतने दिन बाद घर जाएंगे तो हमारी क्या फीलिंग है मैं आपको नहीं बता सकती इस तरह, लेकिन मैंने कहा चलो आखिरी दिन है तो हम लोग बस अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा बैठने दिया हुआ है। अभी तो वहाँ से तो भगा दिया था, लेकिन यहाँ पे अभी बैठे में अल्लाह करे थोड़ी देर और एक घंटा बैठने थे हमें इंशाल्लाह सुकून से, तो बस ये आराम से दीदार हम लोग करते रहें और मैं थोड़ा थोड़ा आपको भी दिखाती रहूँ। वैसे तो ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी है ना, आपको पता है बैटरी लो चुकी है फ़ोन की, बस अभी मैंने बात की आप लोग से कि शुरता ना है और ये शुरता आ गया कि वल्ला हजी, बस इसी की वल्ला हजी के अलावा मुझे और कोई बात समझ नहीं आती है। चलें जी, बस अब हम लोग निकलने लगे हैं हरम से बाहर, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बस आज आखिरी हमारा दीदार था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह वापसी बार बार बुलाता रहे। इस जगह पे आने का आपका हमेशा दिल चाहता है, ऐसा नहीं है कि आपका दिल ना चाहे, तो बस अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर का भी थोड़ा आपको नज़ारा दिखाते हैं और उसके बाद आपसे अलविदा करेंगे। ओहो, वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, वहाँ क्या हुआ है? कोई चाचा थे, गिर गए हैं क्या? ओहो, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है भाई, एजेड लोगों के साथ है ना ज़रा ये वाला बड़ा मामला होता है कि या तो वो एस्केलेटर पे बहुत ज़्यादा उनके साथ मसले हो जाते हैं या वो कहीं गिर जाते हैं, तो भाई बड़ा ध्यान रखना चाहिए ये बड़े लोगों को अपना, क्योंकि इनके लिए ये सब बहुत मुश्किल है। ऊपर से जो रश है ना, ये देखें, ये बाहर का रश है, ये बाहर हम लोग आ चुके हैं और अभी ये सहन में भी इतना ही ज़्यादा रश हो रहा है, क्योंकि अब तो तहज्जुद का टाइम और फजर का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो बस ये अभी इतना ज़्यादा रश हो रहा है। तो अब हम लोग ज़रा चलते हैं अपनी होटल के नीचे ही हम लोग बैठ जाते हैं, वहीं पे मैं तो अपनी तहज्जुद और फजर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अजलान अब बोल रहा है बाहर चलो, तो हम लोग फिर अंदर बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम बाहर चलते हैं और यहाँ पर बैठते हैं अपने होटल के ही नीचे, सहन है पूरा, और फिर हम नमाज सलात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो थोड़ी देर बैठेंगे, अभी तो टाइम है ज़रा तहज्जुद में, फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। आज लास्ट नाश्ता है, पता नहीं क्या लास्ट ही नाश्ता है आज, तो बस आज का नाश्ता भी आपको थोड़ा सा दिखाई दूंगी इंशाल्लाह। चले जी अम्मी, चले जी हम लोग अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, आज हमारा जमजम का है आखिरी नाश्ता, पुल बहन जमजम का आखिरी नाश्ता, क्योंकि आज ये हमारी आखिरी रात है यहाँ पे। तो अजलान सो रहा था तो अनिश ने पहले नाश्ता कर लिया, अब मैं और अम्मी जा रहे हैं एक साथ नाश्ता करने के लिए, तो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में वहाँ पे क्या क्या मिलता है। अम्मी आपकी कैसी फीलिंग है आखिरी नाश्ते की, कैसी फीलिंग आ रही है आपको आखिरी दिन की? अम्मी को बस जल्दी घर चली जाऊँ, पाकिस्तान चली जाऊँ। आ गई, चलें जी, हैं
आज हम लोग कहाँ से हैं? अलग से। अच्छा इसी दरवाजे से जाना था ना। दिमाग खराब हो गया। चले चले, हाँ आ गया आ गया आ गया। मैं समझी शायद हम कुछ गलत जगह से आ गए, लेकिन नाश्ते की भरपूर तैयारी है। खुशबू बाहर तक आती है अम्मी। हाँ। खुशबू बाहर तक आती है माशाल्लाह। आज फलाफल रखे हुए हैं। हाँ, वरना हम लोग इन फलाफल का वेट करते रहते हैं, लेकिन बहुत देर से आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए। मैं इनको ज़रा काट दिखाते हैं। ओहो हो, माशाल्लाह आज तो सुबह सुबह का टाइम है भाई, ज़बरदस्त। आज तो मॉर्निंग व्यू आ रहा है। अम्मी मैं बनवाती हूँ ऑमलेट पहले, या फिर मैं डायरेक्ट ले ही लेती हूँ, मेरे ख्याल इनके पास बने हुए ही होते हैं। हाँ मैं ऑमलेट ले लेती हूँ। अभी हमने ऑमलेट ले लिया है, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपना थोड़ा मेन कोर्स लेने के लिए, कि यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है आज। चलें चलें, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ओट्स पॉरिश, नो 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 नो, ये चने की दाल। चलो चने की दाल तो ले सकते हैं। बाकी ये क्या चीज़ है भाई साहब? बीफ मुकलकल, पता नहीं ये भी कुछ हमारे काम का नहीं है। बस फलाफल लेते हैं, चावल लेते हैं और दाल लेते हैं बस, और तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से। फिर हम लोग बाकी ऑमलेट तो ले लिया है, वो नाश्ता करते हैं। ऑमलेट बनवा लिए हमने, दाल ले ली है, फलाफल ले लिए हैं और चलें जी। ये अब हमारी आ गई है फेवरेट चीज। अम्मी और मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये होती है कुछ योगर्ट की तरह, लब्बन जैसे होता है, लेकिन ये लिक्विड में नहीं, ये सॉलिड में होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी मज़े की होती है। तो ये हम ज़रूर लेते हैं नाश्ते में। और ये होते हैं फलाफल, ये भी बड़े अच्छे होते हैं, मज़े के कबाब की तरह के कुछ होते हैं अंदर। बाकी हमने आज पैनकेक्स भी ट्राई किए, यहाँ के बड़े मज़ेदार पैनकेक्स थे। अब बस हमारी ये लास्ट है, और इसके बाद ये ड्रिंक, और फिर हम जाएंगे रूम में और सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी उठना है सुबह और निकलना है फिर हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था आज का हमारा लास्ट दिन का आखिरी सा व्लॉग जो हमने आपको दिखा दिया। थोड़ी बहुत चीज़ें आज जो हमने की, वैसे आज तो हम कहीं खास गए हुए नहीं थे, बस ये था यहीं का व्लॉग। मैंने कहा आज हरम का ज़्यादा दिखाया जाए, क्योंकि बिल्कुल आखिरी दिन था, तो मैंने कहा थोड़ा हरम की ज़्यादा दिखा दूँ। बाकी ये था कि नाश्ता लाजमी है, तो नाश्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, लेकिन अब बज गए हैं 7:15, मतलब 7:15 हो चुकी है, और हमें सोना है और उठना अभी बहुत जल्दी है, जुम्मा भी है जैसा कि। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये था मक्का का बहुत ही खूबसूरत सा एक टूर, मदीना मक्का का। लेकिन अभी कल आखिरी दिन है इंशाल्लाह, जब निकलेंगे उसका भी एक अच्छा व्लॉग बनाएंगे, जिद्दा जाएंगे फिर कराची जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कॉमेंट कर दें, सब कुछ जल्दी 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 कर दें। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह से बहुत 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 जल्द एक अच्छे से व्लॉग के साथ।